हेलो स्टूडेंट्स, इट्स आवर थर्ड वीडियो ऑफ फोर्थ चैप्टर ऑफ सब्जेक्टिव ईयर्स नेमिंग आवर हाउस। इन फॉर्मर टू वीडियोस वी हैव नोन अबाउट सम स्पेशल काइंड्स ऑफ हाउस, दैट मीन कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस एंड सम स्पेसिफिक हाउस अकॉर्डिंग टू द लैंड फॉर्म्स। दैट इज इन जस्ट प्रियर टू दिस वीडियो आई हैव टोल्ड यू अबाउट स्टिल्ट हाउस, tall buildings and the house with sloping roofs. We know the weather condition or the landforms of all places are not same, so the houses are made according to the landforms of the particular place. And in this video we are going to learn about some different kinds of houses, that is other than kacha house, pakka house, stilt house and tall building. So let's start our today's topic, naming some different types of houses. पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि कुछ houses, कई घर जो हैं वो landforms के according बनाए जाते हैं, यानी वहाँ पर जैसी वहाँ की भूमि होती है, जैसा वहाँ का physical environment होता है, उसके अनुसार जो है वहाँ के house बनाए जाते हैं। जैसे जहाँ पर बाढ़ आती है वहाँ पर स्टिल्ट हाउस बनते हैं, और जहाँ पर जो है बर्फ ज़्यादा पड़ती है, बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ जो हाउस बनते हैं उनकी रूफ्स जो है वो स्लोपिंग टाइप की होती हैं, ताकि उस पर बर्फ और बारिश का पानी ना जमा हो सके। और वह स्थान जहाँ पर जगह कम होती है और ज़्यादा लोगों को रहना होता है, तो वहाँ पर जो है टाल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की जाती हैं। तो इस वीडियो में जो है हम कुछ अलग प्रकार के हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, यानी कुछ अलग प्रकार के घर। देयर आर मेनी अदर टाइप्स ऑफ हाउसेस इन विच पीपल लिव, यानी कई सारे दूसरे प्रकार के घर भी होते हैं जिनमें कि लोग रहते हैं। जैसे पीछे हम आपको बताए थे कच्चा हाउस, पक्का हाउस या स्टिल्ट हाउस या बिल्डिंग, इनमें तो लोग रहते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई प्रकार के हाउस होते हैं जहां पर लोग रहते हैं। इनमें पहला है हाउस बोट। हाउस अब नाम से ही देखिए जैसा कि स्पष्ट है, ऐसा हाउस जो बोट पर बना हो। हाउस बोट तभी तो उसका नाम हुआ, ऐसा हाउस जो कि नाव पर बना हो, बोट पर। अ हाउस बोट इज अ हाउस ऑन बोट, यानी हाउस बोट नाव पर बना हुआ एक घर होता है, यानी बोट पर बने हुए हाउस को हम हाउस बोट कहते हैं। इट फ्लोट्स ऑन वाटर, ये जो है पानी पर तैरता रहता है। कहने का मतलब घर जो है वो नाव के ऊपर बना है, तो जाहिर सी बात है नाव तैरेगी, तो ये जो है पूरा हाउस बोट जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। दे आर मेनली फाउंड इन कश्मीर एंड केरला। तो ये जो हाउस बोट्स होते हैं ये मुख्य रूप से कश्मीर और केरल में पाए जाते हैं। हम जानते हैं कश्मीर और केरल ये सब जो है माउंटेनियस एरियाज होते हैं, यहाँ पे जो है भारी मात्रा में काफी संख्या में झीलें पाई जाती हैं, जैसे लेक्स हो गई, वैलीज हो गई, है कि नहीं। वन ऑफ द फेमस लेक इज डल लेक ऑफ कश्मीर, वी नो। तो ये जो क्षेत्र होते हैं कश्मीर और केरल के, वहाँ पे घाटियां और छोटी छोटी नदियां या वहाँ की झीलें जो है पाई जाती हैं, जिससे कि वहाँ के लोग जो है हाउस बोट बनाते हैं। हाउस बोट जो है वो बोट पर बना हुआ एक हाउस होता है जो कि इन वाटर सरफेस पर, यानी झीलों के पानी की सतह पर तैरता रहता है। यह हाउस बोट मुख्य रूप से कश्मीर और केरला में पाया जाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, अ हाउस बोट इज कॉल्ड सैंपेन। हाउस बोट को हम सैंपेन भी कहते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कारवां। ए कारवां इज अ हाउस ऑन व्हील्स, यानी
कारवा जो है चक्कों पर बना हुआ, पहियों पर बना हुआ एक घर होता है। कहने का मतलब ऐसा घर जो व्हील्स पर या पहियों पर बना हुआ हो, यानी जो चलता फिरता घर हो, उसी को हम कारवा कहते हैं। इट मूव्स ऑन व्हील्स। तो ये जो कारवा हाउस होता है ये चक्कों पर व्हील्स पर बना होता है, तो इसी कारण जो है ये व्हील्स पर मूव करता रहता है। यानी यह हाउस जो है कारवां, यह मूव करता रहता है, चलता रहता है। मोस्टली बंजार बंजारा लिव इन इट। मुख्य रूप से जो बंजारे लोग होते हैं वह लोग ऐसे कारवां हाउस में रहते हैं। कहने का मतलब हम और आप जानते हैं जो बंजारे लोग होते हैं वो लोग जो है स्टेशनरी जो है एक जगह पर अस्थायी रूप से नहीं रहते, वो जो है एक जगह से दूसरे जगह तक अपने जीवन के गुजारे के लिए, अपने व्यवसाय के लिए घूमते रहते हैं। तो ये लोग जो है कारवा हाउस का यूज करते हैं। कारवा हाउस जो है वो चक्कों पर बना हुआ एक हाउस होता है। यह जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर सकता है इन चक्कों की सहायता से। और बंजारे जो है मुख्य रूप से ऐसे घरों में, दैट इज कारवा हाउस में रहते हैं। अ टेंट इज मेड अप ऑफ कैनवास। टेंट, हम और आप सभी लोग जानते हैं टेंट के विषय में। टेंट जो है वो कैनवास से बना होता है। इट इज यूज्ड बाय द पीपल लिविंग इन डिजर्ट। तो यह टेंट हाउस जो है वो रेगिस्तान में जो लोग रहते हैं उनके द्वारा यूज किया जाता है। कहने का मतलब जैसा कि हम जानते हैं टेंट जो है कैनवास से बना। कैनवास का मतलब ये हुआ कोई क्लॉथ, कोई ऐसा क्लॉथ जिसमें जो है एयर जो है पास ना कर सके, जिसमें से सैंड पार्टिकल्स या डस्ट वो जो है क्रॉस ना कर सके और जो इसे वो फ्लू अवे ना कर पाए। तो ऐसे जो क्लॉथ्स होते हैं इस तरह के क्लॉथ को हम कैनवास कहते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया है टेंट जो है कैनवास से बना हुआ एक हाउस होता है। और ये जो टेंट हाउस होता है ये मुख्य रूप से राजस्थान के निवासियों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं राजस्थान में जो है प्रायः जो है रेतीले तूफान आते रहते हैं, जिससे कि अगर आप कोई अदर हाउस बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, वो हाउस जो है वहां पे ढह जाएंगे, गिर जाएंगे, जिससे कि काफी खर्चा आएगा। और दूसरी बात, वहां पे जो है ये गर्मी काफी अधिक पड़ती है, जिसके कारण वहां पर पक्के हाउसेस को बनाना, वहां के सैंडी लैंड्स के कारण वहां पर पक्के मकान बनाना जो है संभव नहीं हो पाता। तो ऑल फेवरेबल फीचर्स को देखते हुए जो है टेंट बनाए जाते हैं डिजर्ट एरियाज में। टेंट यानी एक ऐसा घर जो कैनवास से बना होता है, और राजस्थान के लोग जो है इस तरह के घरों का प्रयोग रहने के लिए करते हैं। एन इग्लू इज मेड अप ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस। इग्लू मीन्स बर्फ का घर। तो एक इग्लू जो है इग्लू वो आइस के ब्लॉक्स का बना होता है, यानी आइस को जो है एक सीक्वेंस में लगाकर जो है उसे ब्लॉक कर दिया जाता है, और सामने का जो सिरा होता है, सामने का द्वार उसे खोल दिया जाता है। ध्यान रहे जो इग्लू होता है उसका सामने वाला द्वार यानी उसका ये आने जाने वाला जो दरवाजा होता है वो इतना ब्लॉक होता है, इतना संकरा होता है कि उनमें कोई खड़ा होकर जा ही नहीं सकता। जब भी लोगों को इसमें जाना होता है या आना होता है तो लोग जो है लेट कर, यहाँ से क्या होता है लेट कर इसमें से जाते हैं, फिर अंदर जाके तब खड़े हो पाते हैं। तो वही बताया गया है कि जो इग्लू है वो आइस के ब्लॉक्स से बनाया जाता है, आइस के टुकड़ों से उन्हें ब्लॉक करके जो है इग्लू का निर्माण किया जाता है। पीपल हु लिव इन इग्लूज आर कॉल्ड एस्किमोस। यानी ऐसे लोग जो इन इग्लू में रहते हैं उन्हें हम एस्किमो कहते हैं। ये जो इग्लू हैं वो मुख्य रूप से बर्फीले क्षेत्रों में बनाया जाता है, और इसके अंदर जो है जानवरों के खाले जो है चारों ओर से चढ़ी होती हैं, और
इसके अंदर जो है आग भी सुलगाई जाती है, जिससे कि इन्हें ठंडी, इसमें जो लोग रहते हैं एस्किमोस जो होते हैं, उन्हें ठंडी ना लगे। तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर दें, इग्लू जो है वो आइस ब्लॉक्स के द्वारा बना हुआ है घर होता है, और इग्लू में रहने वाले लोगों को हम एस्किमो कहते हैं। इग्लू जो है मुख्य रूप से बर्फीले क्षेत्रों में बनाया जाता है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ हाउसेस बट अ गुड हाउस इज वन दैट गेट्स एनफ एयर एंड सनलाइट। तो जैसा कि आपको बताया गया, हाउसेस घर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एक अच्छा घर वही होता है जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में हवा और धूप मिलती रहे। कहने का मतलब एक ऐसा घर जहाँ पर आपको एनफ अमाउंट में एयर और सनलाइट जो है ऑब्टेन होती है, जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में हमें हवा धूप और बाकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है हमें प्राप्त होती है, ऐसे घर को हम अच्छा घर कह सकते हैं। इट शुड बी फ्री फ्रॉम डर्ट एंड जर्म्स। एक अच्छा घर जो है वो धूल धक्कड़ों और कीटाणुओं से, जर्म से मुक्त होना चाहिए। यानी एक अच्छा घर वही होता है जिस पर कि धूल ना जमी हुई हो, जिसमें कि कचरा ना यहाँ वहाँ फैला हुआ हो, और जहाँ पर जर्म्स यानी जो कीटाणु होते हैं वो सब ना पाए जाएं। ग्रीन प्लांट्स आल्सो शुड बी प्लांटेड अराउंड द हाउस। यानी घर के चारों ओर हरे पेड़ पौधे भी लगाए जाने चाहिए। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर इस वीडियो के साथ कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में जो बताया गया, एक बार हम फिर से आपको रिवाइज कर दें कि कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस इस वीडियो में हम जाने। जैसे कि हम सबसे पहले जो है पढ़े हाउस बोट। हाउस बोट मीन्स ऐसा हाउस जो बोट के ऊपर बना हुआ हो। ये हाउस बोट जो है ये पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, और ये हाउस बोट मुख्य रूप से केरला और कश्मीर में पाए जाते हैं। इसके बाद हम पढ़े कारवांस, यानी ऐसे हाउस जो व्हील्स पर बने होते हैं, पहियों पर, और ये जो है चलते फिरते घर होते हैं। ये व्हील्स के सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर सकते हैं। इन व्हील हाउस का यूज जो है मुख्य रूप से बंजारों के द्वारा किया जाता है। टेंट जो है, टेंट ये हाउस जो है वो कैनवास से बने होते हैं। राजस्थान के लोग रहने के लिए टेंट का ही यूज करते हैं। इग्लू जो है वो मुख्य रूप से बर्फीले क्षेत्रों में, माउंटेनियस एरियाज में पाए जाते हैं, जहाँ पर अत्यधिक बर्फ और ठंड पड़ती है। ये जो इग्लू होते हैं वो ब्लॉक्स ऑफ आइस के बने होते हैं। इसमें रहने वाले लोग जो है बहुत ही सावधानी से और जो है अपने इग्लू में झुक कर आते जाते हैं। इग्लू में रहने वाले लोगों को हम एस्किमो कहते हैं। और जैसा कि हम बताएं आपको, हम जाने कि हाउस जो है वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एक अच्छा हाउस, एक अच्छा घर वही होता है जहाँ पर हवा और धूप पर्याप्त मात्रा में मिले। एक अच्छा घर डर्ट और जर्म से, यानी धूल धक्कड़, कूड़े कचड़े और कीटाणुओं से मुक्त होना चाहिए, और घर के चारों ओर ग्रीन प्लांट, हरे पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए। तो यहाँ पर आपका ये वीडियो, आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।